नमस्कार, मैं दिव्या धरादर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब नए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ट्रैवलर्स को जरूरी डॉक्यूमेंट डीजी लॉकर का इस्तेमाल कर अपलोड करने होंगे। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एप्लीकेंट्स अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.passportindia.gov.in के जरिए ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और उसका समापन अगस्त 2023 में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके समापन के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की जानकारी 30 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में दी थी। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार आयोजित करेगी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में बीजेपी पूरी सक्रियता के साथ जुड़ने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। भारत में 5G नेटवर्क को तेजी से स्टैब्लिश किया जा रहा है। देश में 5G सर्विस के शुरू होने के मात्र 10 महीने के अंदर ही 3 लाख शहरों से ज़्यादा जगहों पर इसकी पहुंच हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है। देश के 714 जिलों को मिलाकर 3 लाख साइट्स पर 5G सर्विस को पहुँचा दिया गया है। यानी अब इन 714 जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुँच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इसमें हथकरघा खादी बुनकर कारीगर ने भी भाग लिया। एमओ के मुताबिक वस्त्र और शिल्प से जुड़ी इस पोर्टल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने तैयार किया है। कार्यक्रम में कपड़ा और MSME क्षेत्रों के 3000 से अधिक हथकरघे बुनकर कारीगर और हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाली योजना अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ कर दिया। रेलवे और देश के लिए ये एक ऐतिहासिक बन गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी अक्सर सार्वजनिक परिवहन को अति आधुनिक बनाने पर जोर देते हैं, जिससे हर नागरिक को सुविधाजनक यात्रा कराई जा सके। बिहार में शिक्षकों का प्रमोशन और तबादला अब डिजिटल कुंडली से होगा। हाजिरी को लेकर अब अलग तैयारी की गई है। वहीं अब एक क्लिक पर शिक्षक की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। पीएम मोदी ने चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध नेपाल पर लागू नहीं होने का आश्वासन दिया है। शनिवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के साथ टेलीफोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि चावल निर्यात का प्रतिबंध से नेपाल को अलग रखा जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए प्रसन्नता जाहिर की कि भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल में चावल का निर्बाध रूप से निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा, साथ ही नेपाल को आवश्यक अन्य खाद्य सामग्रियों की कोई कमी नहीं होने देगा। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC देश विदेश में घूमने के लिए अलग अलग टूर पैकेज लॉन्च करता रहा है। इसी कड़ी में IRCTC ने ओडिशा घुमाने के लिए एक और हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर पैकेज के तहत सैलानी भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी की सैर कर पाएंगे। कुकी पीपल्स अलायंस ने मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में सीएम एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार को बड़ा झटका लगा है। रविवार शाम को पार्टी ने यह फैसला लेकर इसकी घोषणा कर दी है। मणिपुर में बीते कई महीनों से तनाव जारी है। भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने के लिए स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी है। इस स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया कि स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर रेलवे के किराए नहीं बढ़ने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 25,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और इसका इंतजाम मौजूदा रेलवे बजट के जरिए किया जाएगा। SBI के एक नए नियम के तहत जिस ग्राहक के बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, चार्ज भी उसी ग्राहक के अकाउंट से ही कटता है। यह चार्ज कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा जमा करने पर लगता है। बता दें कि कैश डिपॉजिट भी ATM मशीन की ही तरह होता है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में आज लगातार चौथे दिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी है। सावन का सोमवार होने की वजह से आज सर्वे देर से शुरू हुआ। सर्वे का काम आज शाम 5 बजे तक चलेगा। कल कई जगहों की बारीकी से जांच की गई है। कल व्यास जी के कमरे समेत तीनों गुंबद की 3D मैपिंग भी हुई। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा है कि दोनों ही पक्ष अब तक किए गए सर्वे से संतुष्ट हैं। भारत और चीन के रिश्ते को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता रुकी नहीं है और दोनों देशों ने पिछले 3 वर्षों में प्रमुख तनाव बिंदुओं पर प्रगति की है। सीमा वार्ता पर जल्द ही एक और बैठक होगी। आपको बता दें कि भारत और चीन को बार बार सीमा विवादों का सामना करना पड़ा है और वे 1962 से चले आ रहे हैं। सबसे हालिया झड़प जून 2020 में हुई थी, जब भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में विवाद में शामिल हो गए थे।
स्विगी के बाद उसके प्रतिद्वंदी जोमैटो से भी खाना महंगा हो जाएगा। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में हर ऑर्डर पर ₹2 का शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह अभी कुछ ही शहरों में ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। अगर प्रयोग सफल होता है तो संभव है कि इसे देश भर के उन सभी इलाकों में लागू कर दिया जाएगा जहाँ जोमैटो फूड डिलीवरी करता है। एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें आरोपियों की ओर से चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बता दें कि 31 जुलाई को कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर दलील की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त को निर्धारित की थी। आज की सुनवाई में चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई। लोकसभा ने सोमवार को शोर शराबे के बीच डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डेटा का संवर्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में 22 और 24 अगस्त को आयोजित होने वाले ब्रिक्स समिट 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। रेलवे ने कैंट यार्ड रिमॉडलिंग एवं गोरखपुर कैंट कुसमही तृतीय लाइन के कमिश्निंग के लिए ब्लॉक दिए जाने के कारण कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया है। इसके साथ ही कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। इसी पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद ने कहा है कि चलो मनोरंजन वापस आ गया। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने सदन के अंदर भी राहुल की वापसी और कांग्रेस पर निशाने साधे। इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की। राहुल गांधी की सांसदी सोमवार को एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। वही सांसदी बहाल करने में देर होने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि चंद घंटों में सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर जिस तत्परता और खुशी के साथ भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही बहाल करने में इतनी देरी क्यों? 9 वर्षों में संविधान एवं लोकतंत्र को डौलने तथा नफरत एवं विफलताओं का पहाड़ खड़ा करने वाली मोदी सरकार का विपक्ष घबरा जनता की एकजुटता से घबरा गई। केंद्र सरकार के अहम फैसले में तय किया गया है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शांति काल के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को तैनात किया जाएगा। चिकन नेक के रूप में जाने जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन सीमा के बेहद नजदीक है। देश में किसी औसत आय वाले व्यक्ति के घर में भी शादी होती है तो लाखों का खर्चा हो जाता है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। लोकसभा में हाल ही में एक नया बिल पेश हुआ है। कांग्रेस के एक सांसद ने संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया, जिसमें शादियों में होने वाले खर्चे पर लगाम लगाने की बात कही गई है। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने लोकसभा में जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, उसके अनुसार बारात में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही इसके तहत शादी में 10 से अधिक व्यंजनों को नहीं परोसा जा सकेगा। शगुन या उपहार के रूप में भी ₹2500 से अधिक नहीं दिए जाने का प्रावधान है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निशाने साधे जाने पर रविवार को उनकी आलोचना की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को यह संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में वे दल शामिल है जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का गला घोटने वालों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश से विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। ओडिशा SSC पेपर लीक कांड में बिहार के 3 और माफियाओं के नाम सामने आए। बालासोर की पुलिस ने बिहार पुलिस को कुछ जानकारी भी दी है। बिहार में ओडिशा की पुलिस आकर छापेमारी भी करेगी। इस मामले में अब तक 25 जालसाजों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्वी यूरोप में करीब 1.5 साल से जंग छिड़ी हुई है और अब तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से कुछ देशों को फायदा हो रहा है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत को युद्ध शुरू होने के बाद से रियायती दर पर कच्चे तेल की सप्लाई मिल रही है। जून महीने के दौरान तो यह फायदा और भी बढ़ गया, जब रूस से मिल रहा कच्चा तेल 1.5 साल में सबसे सस्ता हो गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार रूस से भारत आ रहे कच्चे तेल की औसत कीमत जून महीने के दौरान सबसे कम हो गई। यह कीमत महज $68.17 प्रति बैरल रह गई, जिसमें ढुलाई की लागत भी शामिल है। लोकसभा में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा, इसके बाद सदन में खूब बवाल हुआ। गोड्डा लोकसभा से BJP सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा है कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है और यह कांग्रेस की साजिश है। निशिकांत ने कहा है कि यह इस पोर्टल को चीनी सरकार से फंड मिलते हैं और ये देश विरोधी कामों में लगी है और लगातार साजिश कर रही है। निशिकांत दुबे ने इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद की पहली तस्वीरें सामने आ गई। इस तस्वीर को स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया गया। चंद्रयान मिशन
शनिवार को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। इस दौरान चांद के पास चक्कर लगाते हुए स्पेस क्राफ्ट में लगे कैमरे ने चंद्रमा की एक वीडियो बनाई। वीडियो में चमकदार चांद को देखा जा सकता है। स्पेस क्राफ्ट में लगे हुए सोलर पैनल भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। चांद की इन पहली झलकियों को इसरो ने ट्विटर पर शेयर किया है। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पदों को केंद्र सरकार तेजी से भर रही है। केंद्र सरकार ने सदन को सोमवार को बताया कि मिशन भर्ती अभियान के तहत 10 महीनों में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 13,000 से अधिक रिक्तियां भरी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की, क्योंकि सरकार ने स्कीम में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्ड से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए जिला विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी दिया गया है। यदि कोई भी लाभार्थी राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसे फ्री राशन सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, बल्कि जिला स्तर के अधिकारी राशन एजेंटों से अपील की गई है कि आधार को राशन से लिंक कराना जरूरी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार निर्भय, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद अंसारी, मोहम्मद साकिर हुसैन। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वंदे भारत ट्रेन पर आए दिन पथराव की खबर सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।